खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां दिन में 11 बजे ही चोरों ने लाखों का जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। गौरतलब हो चोरों ने फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बता दें कि जगन्नाथपुर मजरे सूरजपुर निवासी राम सजीवन रावत पुत्र स्वर्गीय दुर्गा शंकर के मुताबिक उनके घर उस समय चोरों ने धावा बोला जब 14 फरवरी दिन मंगलवार को 11 बजे राम सजीवन अपने खेत पर पानी लगाए हुए थे। उनकी पत्नी चाय लेकर खेत गयी थी। राम सजीवन का 14 वर्षीय पुत्र सुमित भी खेत में था। घर पर कोई नहीं था, तभी मौका देखकर चोरों ने घर में रखे बड़े बक्से का ताला तोड़कर लाखों की जेवरात नगद 10,000 व एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी उठा ले गए। राम सजीवन जब खेत से घर आए तो देखा कि बड़े बक्से का ताला टूटा हुआ है, बक्सा भी खुला है तो उनकी होश उड़ गए। बक्से में रखे चांदी हाफ पेटी हथफूल सोने के माला मंगलसूत्र पायजेब नगद 10,000 घर में रखा एक टच मोबाइल फोन लगभग 1,00,000 का जेवरात व नकदी चोर उठा ले गए। इस बाबत जब थाना अध्यक्ष अरुणेश कुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपका किस गांव में रहते हैं? जगन्नाथपुर में रहते हैं, मजला सूरजपुर में रहता है। क्या नाम है आपका? राम सजीवन रहते। तो क्या हुआ आपके यहाँ? चोरी मंगलवार का भाई। मंगलवार को क्या कब हुई? 11 बजे रात में? दिन में हुई। तो आप कहाँ थे? आज पानी लगाया था। अच्छा, और कौन कौन थे? हमारा लड़का, हम दोनों जने पानी लगाया था खेत में। पत्नी ने चाय लेकर गया था 11 बजे वर्ती समय में हो गए। अच्छा, तो क्या नुकसान हुआ है? नुकसान गया है जी, सामान गया है, मंगल सूत्र गया है, हाथ फूल गया है, और हाथ पेटी गए, बाजेबे गई थी और माला गया था 3 थपिया का। और क्या गया? और 10,000 रुपया गया था और टच वाला मोबाइल गया था। तो ये सब चीज़ कहाँ धरी थी? ये धरी थी टाँड पर, बक्से में। टाँड पे क्या रखा था? टाँड पर मोबाइल था। और जेवरात? और सब जेवरात रही बक्से में। बड़े बक्से में कि छोटे? बड़े बक्से में। तो बक्सा बंद नहीं था क्या? बंद रहा, ताला तोड़ कर ले गया। उसके बाद कितना हुई है, लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 1,25,000 की। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी साहब। और प्रार्थना पत्र दिया खाने में? हाँ दिया। तो क्या बोले? बोले लिख पढ़ ले गया साहब, जो कुछ करे